क्या जर्मनी पर हमला कर देगा रूस? वजह बनेगा लेपर्ड टैंक? क्या अब रूस वर्सेस नेटो होकर रहेगा? ये सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में जरूर देखें। जर्मनी का लेपर्ड टैंक जंग में तबाही का दूसरा नाम माना जाता है, और अब यही लेपर्ड टैंक रूस और जर्मनी के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण भी बन चुका है। यूक्रेन को 14 लेपर्ड टैंक देने के बर्लिन के ऐलान के बाद दोनों देशों में नौबत युद्ध तक की आ चुकी है। ये बातें यूं ही नहीं कही जा रही हैं। इनसे मिलिए, ये है जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरवॉक। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने के फैसले के बाद इनका चौंकाने वाला बयान सामने आया है। जर्मनी की विदेश मंत्री ने कहा, हमें आपस में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए, हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं रूस से लड़ रहे हैं। पहली बार यू के देश रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हमें यूक्रेन की और ज्यादा मदद करनी ही होगी। जर्मनी की विदेश मंत्री का यह विचार सुनकर रूस दंग है, क्योंकि जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स लेपर्ड टैंक देने के ऐलान से पहले तक खुद को रूस के साथ सीधे टकराव से बचाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि जर्मनी का रुख आक्रामक हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर जर्मनी को लेकर रूस के तेवर भी कड़े हो चुके हैं। बर्लिन में तैनात रूस के राजदूत सर्गेई नेचेव ने यूक्रेन को जर्मन टैंकों की मदद पर सीधी चेतावनी दी, कहा कि जर्मनी का फैसला बेहद खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। जर्मनी के फैसले से कूटनीतिक समाधान में बाधा आएगी। लेपर्ड टैंक की वजह से ये युद्ध अब नए स्तर पर जाएगा, यानी कि युद्ध में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। हो सकता है कि अभी जो युद्ध दुनिया यूक्रेन में देख रही है वो नाटो कंट्री की ओर शिफ्ट हो जाए, रूसी बमों के टारगेट पर जर्मनी आ जाए। और ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के ऑपरेशन बारबारोस के बाद बर्लिन में जवाबी बमबारी इसकी सबसे बड़ी गवाह है।